अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज हमने सोचा कि हम जो है ना सब्जी मंडी आ जाते हैं और सब्जी मंडी से सब्जी वगैरह ले लेते हैं। तो बस हम आज इधर आए हैं, लेकिन इधर जो है ना बहुत हालात तो खैर अजीब से ही हैं। हम पहली दफ़ा आए हैं और बहुत ज़्यादा स्मेल है, और वैसे बहुत कम लगी हुई है मंडी, इतनी ज़्यादा लगी हुई भी नहीं है। हर कोई यही बोल रहा है कि हालात सही नहीं है, फ्लड वगैरह की वजह से ये मसले मसाइल हो रहे हैं। बस आप लोग दुआ करें, ये सब अल्लाह ताला हम पर रहम करे। देखें, मम्मा भी आई हुई हैं इधर, वैसे पापा के साथ हम तीनों आए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं जो सब्ज़ी मंडी आई हुई हूँ, यहाँ पर रेट जो हमारी मार्केटों में मिल रहे हैं उन रेट से हाफ़ रेट है। आप भी यहाँ आएँ और सब्ज़ी ले कर यहाँ से ही जाएँ, ताकि आपकी भी सेविंग हो। अभी हम आपको जो है ना स्टॉल टू स्टॉल लेके जाते हैं, आप खुद कंपैरिजन कर लीजिएगा, ठीक है? व्यूअर्स, टमाटर देखें बैक साइड पे मेरे, कितने जबरदस्त हैं, बिल्कुल फ्रेश। दादा, ये क्या हिसाब लगाया है, कुछ कम नहीं करेंगे? अबे यार, अभी एक ऐसा गंदा सीन मिस हो गया, मैं गाड़ी में लवली सामान रखने आया, तो पता चला, फिर जब वापस गया हूँ मम्मा के पास तो पता चला है कि सीन हो गया। अब मम्मा ने बात करी होगी किसी ठेले वाले से टमाटर लेने के लिए, तो उसने उस वक्त 150 रुपये किलो बोला ना, उसके बाद जब तुलवा लिए हर चीज़ ले ली, उसके बाद उसने 200 रुपये के हिसाब से पैसे लगाने लग गया। फिर सीन ऐसा टाइट हुआ है, अम्मा ने ऐसा दिमाग सेट किया है उसका, पापा भी आ गए, फिर मज़ा आया। लेकिन सीन बिल्कुल क्लाइमैक्स पे था, जब मैं गया हूँ बस एंड हो गया यार, मज़ा नहीं आया, मिस हो गया, शिट यार। ओके यार, मैंने सारा सामान बैक सीट पे रख दिया था, लेकिन पापा बोल रहे हैं कि सारा सामान ना डिग्गी में शिफ्ट करो, तो बस अब एक एक करके इन सब चीज़ों को डिग्गी में शिफ्ट करना है। बस ये सीन हो रहा है एक तरीके का, मैं तो ख्वार ही हो रहा हूँ यार, बस लेकिन क्या कर सकते हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह, जितना सामान अभी तक लिया है वो सारा डिग्गी में आ गया है, बाकी अभी देखते हैं अभी क्या क्या लेना है और क्या क्या लेंगे और कितना ख्वार होंगे, देखते हैं अभी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अबे भाई यार, पहली हमने बहुत गाय मंडी बहुत देखी है, बकरा मंडी देखी है, ऊंट मंडी देखी है, ये सब्जी मंडी नहीं देखी थी, आज ये भी देख ली। इसके अंदर ये बड़े ट्रैक्टर वगैरह घूम रहे हैं, बड़े खतरनाक टाइप के यार। रुको जरा, सबर करो। तो आप देख सकते हैं हमने कितना सामान भर लिया है, एक दफ़ा आए बस, अब इंशाल्लाह सामान वगैरह तो ले लिया, लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था बहुत यार। हाँ तो यार, मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ, मुझे अभी सामान वगैरह रखा है, मुझे मम्मा ने बोला चलो चलते हैं, मैंने बोला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार, चलो जान छूटती है। मगर अभी बस मुझे गाड़ी में बैठा हूँ और फिर चली गई, मुझे बोला कि गाड़ी स्टार्ट करो, हम आ रहे हैं। अब आप को तो पता है हम आ रहे हैं का मतलब क्या होता है, ठीक है? अब 2-3 घंटे हम आ रहे हैं, वही वाला सीन है, बस क्या कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम मंडी से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं बहरिया, वहाँ मुलाकात होगी आपसे, हमारे साथ आ जाएं। पहुंच गए हैं, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे एक छोटा सा काम है, फिर मिलते हैं आपसे और आपको पूरा बहरिया भी विजिट करवाते हैं, आ जाए।
बहरिया टाउन कराची के अंदर गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है। आप देख रहे हैं रोड्स कितने अच्छे हैं और साफ सुथरे हैं, माशाल्लाह से अल्लाह ताला जैसा हमारा बहरिया है वैसे ही पूरा कराची हो जाए, आमीन। हेलो व्यूअर्स, यार तो हम आए हुए हैं ज़रा साइट वगैरह विजिट करने के लिए, कुछ काम से कुछ मीटिंग्स वगैरह स्केजुअल में थी तो सोचा आज उनको भी निपटा दें, तो बस हम ये विजिट वगैरह करने के लिए आए हुए हैं, इसके बाद इंशाल्लाह चलते हैं, आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा, ठीक है, मज़े करते हैं। अब हम वापसी के लिए निकल रहे हैं सब्जी मंडी में, बहुत इंजॉय किया मैंने, कैन यू बिलीव दैट कि वहाँ मुझे हाफ रेट में सब्जी मिली है। अब आप भी जाएं और वहीं से सब्जी लें, ठीक है। चलें व्यूअर्स, अब हम वापस जा रहे हैं, बहरिया से बाहर जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दूसरी व्लॉग के साथ। आई होप यू एंजॉयड वेल, आपने सब्जी मंडी भी इंजॉय करी और बहरिया को तो वैसे ही आप लोग बहुत इंजॉय करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।